बना रहे हैं हम तेरे आत्मा द्वारा नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर से जी उठे। हम यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं।
यीशु के पुनरुत्थान के कारण संसार के विषय में हमारा दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए। जो यीशु के पुनरुत्थान तथा पुनरुगमन में विश्वास करता है वह अपने परलोक की चिंता करता है। दूसरा पद कलीसियाओं के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग ऊपर की चीजों खोजते रहो जहाँ मसीह विराजमान है। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसीलिए ऊपर की चीजों खोजते रहो। आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करो। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमा निमित्त होकर प्रकट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अध्याय 20 पद संख्याएं 1-9। मरियम मक्दलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची।
उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े, वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेड़कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि झालती की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का सुसमाचार है। सबको जय यीशु। जय यीशु। आज सचमुच प्रभु जी उठे। हालेलुया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को हम लोग पास्का पर्व का शुभकामना देते हुए कहेंगे कि प्रभु सचमुच जी उठे हैं, हालेलुया। अगल बगल में जो बैठे हैं उनको हाथ मिलाते हुए बोलिए कि प्रभु सचमुच जी उठे हैं, हालेलुया। प्रभु सचमुच जी उठे हैं, हालेलुया। सच में जी उठे, हालेलुया। इसलिए मैंने ये करने को कहा क्योंकि बहुत से लोग साथ में इसलिए आए होंगे कि दूसरे लोग आए हैं, क्यों आए हैं नहीं मालूम, ठीक है। तो हम लोग पास्का पर्व मनाने के लिए आए हैं, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए आए हैं, क्योंकि प्रभु सचमुच, प्रभु सचमुच जी उठे, सचमुच जी उठे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर प्रभु सचमुच जी उठे नहीं होते तो हम लोग यहाँ पर नहीं होते, नहीं आते, क्योंकि हम ख्रिस्तियों का विश्वास का नींव प्रभु यीशु का पुनरुत्थान है। अगर प्रभु यीशु सचमुच में जी नहीं उठे, जी नहीं उठा होता तो हम लोग प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते। हाँ, कितने लोग आए, मर गए, चले गए, उन पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मरे लेकिन तीसरे दिन जी उठे, इसीलिए हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। और हमारा विश्वास का नींव, द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ इज द रेजरेक्शन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज पास्का का पर्व है और प्रभु जी उठे हैं, इसलिए मैं बार बार हालेलुया हालेलुया कहकर आप लोगों को भूलने नहीं देना चाहता हूँ कि प्रभु सचमुच में जी उठे हैं। तो जब हम पास्का की तैयारी कर रहे थे 40 दिन तक, तो हम लोगों ने उपवास किया, हम लोगों ने कुछ त्यागा, कुछ लोगों को दान दिया और बहुत सारे अपने बुरे कर्मों को छोड़ा। जब मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप पास्का का पर्व किस तरह से मना रहे हैं, विशेषकर गाँव में, तो लोग बोलते हैं कि मैं 40 दिन से शराब नहीं पिया था, आज पास्का का पर्व है, आज उसका दोगुना पीऊंगा, क्योंकि 40 दिन तक वो नहीं पिया था, त्याग किया था, हाँ कि नहीं। तो पास्का पर्व मनाने के लिए वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा पीऊंगा तो कवर अप हो जाएगा जो मैं पिछले 40 दिन नहीं पिया हूँ। तो इस तरह से हम पास्का पर्व अगर मनाते हैं तो हमारे लिए साल, हर एक साल पास्का पर्व आएगा, लेकिन हमारा जीवन वैसे के वैसे ही रह जाएगा, जो प्रभु येसु क्रूस पर बलि होकर हम सबों को नया जीवन देने के लिए हमारे पाप को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलि हो गए और पुनर्जीवित हुए। लेकिन अगर हम अपने बुरे कार्यों को नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही रहते हैं, तो हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो 40 काल में हम शायद 3 तरह से अपने आप को तैयारी किए। एक,
जैसे मैं अगर क्या बोलते हैं कि कुछ मैं अगर ज्यादा खाता हूँ या तो मीट मछली वो सब त्याग दिए, इस पास्का के बाद शायद हम फिर से शुरू करेंगे, पास्का के बाद फिर से खाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि 40 दिन तक हम उपवास करते हुए अपने आप को तैयारी कर रहे थे। लेकिन लेकिन जितना मैं शुरू में बताया और कहा कि मैं थोड़ा पीता था अभी ज्यादा पीऊंगा, उसी तरह से आप अगर उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए यह पास्का पर्व, प्रभु येसु का पुनरुत्थान का पर्व जो मना रहे हैं, हमारे लिए अर्थहीन हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। हमारा यहाँ पर आकर एक साथ जो समय बिता रहे हैं वो भी व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और शायद हमने चालीसा में यह भी ठान लिया था होगा कि मेरी जो बुरी आदतें हैं, जो मेरी जो बुरी जो किसी को मैंने गलत करता हूँ या किसी की निंदा करता हूँ या किसी की बुराई करता हूँ, उसको शायद हमने निर्णय लिया था होगा कि इस चालीसा काल में मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और अगर वैसे करते हुए आप चालीसा काल में तैयारी किए हैं इस पास्का पर्व को मनाने के लिए, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप उसको जारी रखें, उसे बंद ना रखें, ताकि आपके लिए प्रभु यीशु का जो पुनरुत्थान का पर्व है वह अर्थपूर्ण हो जाए या व्यर्थ ना जाए। और दूसरा, आप चालीसा काल में आप लोगों ने कुछ अच्छे कार्य करने के लिए सोचे थे होंगे, अच्छे कार्य किए होंगे, उस कार्य को भी आप जारी रखें ताकि प्रभु की आशीष और कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि प्रभु येसु क्रूस पर मर गए, दुख सहा। और जब क्रूस को देखते हुए हम अपने जीवन पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो दुख तकलीफ है, वही दिखाई देता है। लेकिन अगर आप ध्यान से क्रूस को देखिएगा, उसमें जब चार एल को एक साथ हम जोड़ते हैं तो वह क्रूस बनता है। और इस चार एल को एक साथ जोड़ते हुए मैं आप लोगों को मंत्र देना चाहता हूँ, और उस मंत्र को अगर आपके जीवन में जब भी दुख तकलीफ आता है अगर आप उसको याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे आपके दुख तकलीफ को, क्योंकि प्रभु येसु हमारे ईश्वर हैं जिन्होंने हम सबों को मुक्ति दिलाने के लिए, हम सबों को पाप से बचाने के लिए क्रूस पर मर गए। तो जब हम क्रूस को देखेंगे तो यही याद करेंगे, चार एल को याद करेंगे, जीसस इज माय लॉर्ड, जीसस इज माय लव, जीसस इज माय लाइट एंड जीसस इज माय लाइफ। ये चार एल याद करेंगे तो जो भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है हम उसे भूल जाएंगे, क्योंकि जीसस इज माय लॉर्ड, जीसस इज माय लव, जीसस इज माय लाइट एंड जीसस इज माय लाइफ। क्योंकि प्रभु येसु ने इस क्रूस के द्वारा हम सबों को प्रमाणित कर दिया है कि प्रभु येसु हमारे ईश्वर है, प्रभु है। इस क्रूस के द्वारा प्रभु येसु ने प्रमाणित कर दिया है कि वह मानव जाति से कितना प्यार करते हैं। इस क्रूस के द्वारा प्रभु येसु ने प्रमाणित कर दिया है कि वह संसार की ज्योति है। और इस क्रूस के द्वारा प्रभु येसु ने प्रमाणित कर दिया है कि वह हम सबों को इस क्रूस के द्वारा अनंत जीवन प्रदान किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आते हैं हम लोग आज के पाठ पर, जो सुसमाचार हम लोगों ने सुना। सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि तड़के सुबह मरियम मगदलेना कब्र की ओर जाती है, और जब कब्र की ओर जाती है तब वह देखती है कि कब्र के दरवाजे पर, कब्र के मुंह पर जो पत्थर रखा हुआ था वह कब्र के मुंह पर जो पत्थर रखा हुआ था वह हटा दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां प्रभु का वचन कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु का वचन कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं,
जब प्रभु यीशु मरियम मगदलेना और मार्था के घर में गए थे, जब लाजरस मर गया था और मरियम ने उससे पूछा, तब प्रभु यीशु ने मरियम से कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। लेकिन जब मरियम मगदलेना कब्र के पास आती है और देखती है कि वहां जो पत्थर रखा हुआ था वो हटा दिया गया है, तो मरियम मगदलेना समझ नहीं पाती है कि क्या हुआ है और वह दौड़कर वापस जाती है और पेत्रुस और उसके शिष्य जोन को बताती है कि प्रभु यीशु के शरीर को उन्होंने उठा कर ले गया है और उसे कहां रखा है मुझे मालूम नहीं। जब हमारे जीवन में इस प्रकार की घटना होती है तो हम भी अकबका जाते हैं और हम ये नहीं जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं? अगर मान लिया कोई व्यक्ति मर चुका है और अगर हम वहां जाएंगे और देखेंगे कब्र खुला है, हम डर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, हम नहीं जानेंगे कि हम जाकर हमारे परिवार वालों को या हमारे दोस्तों को या आसपास में जो भी रहते हैं उनको क्या बताएंगे। लेकिन प्रभु यीशु पहले ही मरियम मगदलेना को बता चुका था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24:7 में 7वें वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बता चुका था और कहा था कि समय आ गया है और मैं पापियों के हवाले कर दिया जाऊंगा और पापी लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, लेकिन तीसरे दिन मैं जीव उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब दुख आया सब लोग भूल गए प्रभु यीशु के वचन को। वैसे ही हमारे जीवन में होता है, जब हमारे जीवन में दुख आता है हम सब जो विश्वास करते हैं उसको भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम क्रूस को देखेंगे तो हम नहीं भूलेंगे कि क्रूस ही हमारे जीवन का अंत नहीं है। अगर हमारा विश्वास अगर क्रूस तक ही है तो हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ आएगा तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, जिस तरह से शिष्य लोग बिखर गए थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को केवल क्रूस तक देखा था, प्रभु यीशु को केवल क्रूस तक देखा था, इसलिए वह बिखर गए थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु को पुनरुत्थान तक देखेंगे तो हमारा दुख और तकलीफ दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सबों को पुनरुत्थान के द्वारा नया जीवन प्रदान किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का सुसमाचार का आखिरी वचन कहता है उनका जी उठना अनिवार्य था, उनका जी उठना अनिवार्य था, उनका जी उठना अनिवार्य था, क्योंकि प्रभु यीशु ने ईश्वर के बराबर थे लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी ईश्वर की बराबरी नहीं की, लेकिन विनम्र होकर उन्होंने मृत्यु तक को स्वीकार किया, क्योंकि पिता ईश्वर की योजना थी। और संत यूहन्न के सुसमाचार अध्याय 3:16 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को संसार को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई ईश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करे वो कभी मरे नहीं लेकिन उन्हें अनंत जीवन प्रदान हो। और प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर की हर एक इच्छा को पूरा करते हुए विनम्र बनकर इतना तक की मृत्यु को उन्होंने गले लगा लिया। इसलिए प्रभु यीशु का जी उठना अनिवार्य था। हालेलुया, हालेलुया। तो हम भी अगर विश्वास करते हुए अपने पापों को प्रायश्चित करते हुए प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में कितनों भी दुख तकलीफ आएगी प्रभु यीशु उसे अपने पुनरुत्थान के द्वारा परिवर्तित कर देंगे। संत मती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 कभी नहीं भूलिएगा। प्रभु का वचन कहता है मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने शिष्यों को कहा कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आज वही प्रभु यीशु जो पुनर्जीवित होकर हमारे साथ है, हमारे बीच में है, हम सबों को कह रहे हैं बेटा बेटी मैं संसार के अंत तक
सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब प्रभु यीशु हम सबों से कह रहे हैं कि संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, केवल विश्वास करने की और अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पण करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित करेंगे तो प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा हम सबों को साहस देंगे, प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा हम सबों को आगे जीवन में बढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य देंगे। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह साक्षी देने के लिए कि प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं, और जिस तरह से मरियम मगदलीना ने प्रभु यीशु को वहां नहीं देखा और दौड़कर उनके शिष्यों को बताया, उसी तरह से पुनर्जीवित प्रभु यीशु को जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, हमें केवल उनको अपने यहाँ तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन जहां भी रहे, जहां भी जाए, जिस भी सिचुएशन में रहे, हमें बताना होगा कि जिस प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वह प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है और वह सदा मेरे साथ रहता है। तो लोगों को हम कैसे बताएंगे, केवल लोगों को हम कहेंगे कि सचमुच में प्रभु जी उठे हैं, उतना केवल काफी नहीं है, लेकिन अपने शब्दों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, जब हम अच्छे कार्य करेंगे, जब हम अच्छे शब्द बोलेंगे, जब हम लोगों के साथ मेल मिलाप से रहेंगे, तो लोग हमें देखते ही जान जाएंगे कि ये सचमुच में जीवित प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, और जीवित प्रभु यीशु की जो शिक्षाएं हमारे जीवन में हैं वो मेल मिलाप और दूसरों को प्रेम करने और दूसरों के साथ एक साथ रहकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए, मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि आप सब लोग खड़े हो जाएं, ताकि हम सब खड़े होकर एक गीत गाकर हम घोषित करेंगे कि प्रभु यीशु सचमुच जीवित है और हम लोग उसको दूसरों को बताने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं आज प्रभु यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, सुने हैं, सुने हैं, आज प्रभु यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, आँख दिया। जब यीशु दुनिया में था, अंध को आँख दिया। जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, सूचे
विश्वास को प्रकट करें।